शंकर भगवान की जय। आप मतलब कितने सालों से आ रहे हैं कांवड़? मेरे को बोले दूसरी साल है। दूसरी साल है? हाँ जी। कहाँ से आते हैं? मैं नगीना मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, कौन से राज्य से? हरियाणा से। हरियाणा से हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो आप वापिस लौट रहे हैं हरिद्वार से? वापिस से। हरिद्वार से। तो हरिद्वार में आपने कुछ जैसे दो साल कोविड था तो कुछ नहीं था कांवड़ यात्रा? नहीं। तो दो साल के बाद ऐसा कुछ बदलाव देखा आपने हरिद्वार में कि ज्यादा भीड़ हो या फिर ऐसा कुछ? हाँ, भक्तों के जैसे पहले भीड़ थी उससे डबल भीड़ अब के है हरिद्वार में। भोले भक्त का सबसे ज्यादा अब के बहुत ज्यादा भीड़ है, लाखों में तैयार है। आपकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या चमत्कार हुआ है जिसकी वजह से आप इतने बड़े मतलब शिव को इतना मानते हैं? देखो जी, ये तो कुछ भी नहीं है, भोले की इच्छा होती है। अगर भोला चाहे तो एक मिनट में उसको बुला ले, अगर नहीं चाहे तो वो 10 साल भी लगा देगा तो भी नहीं बुला पाएगा। मेरा जब पहली कावड़ थी तो मेरा 10 मिनट में भोले ने प्रोग्राम बनाया, 10 मिनट में पहली कावड़ लेके आया था। पहले मेरे बहुत छाला हुए थे पहली कावड़ में, अब भोले की कृपा से कुछ नहीं है, खूब थकान नहीं है, कुछ नहीं है, पैरों में हट्टा कट्टा खूब अच्छे से चल रहा हूँ भोले की कृपा से। जय भोले की। जो पवित्र कावड़ मानी जाती है वो यही कावड़ मानी जाती है जिसमें झूला कावड़ ग्रंथों में लिखा है, जो 128 नियमों के वो द्वारा लाई जाती है, जो वो झूला कावड़ ही मानी जाती है। झूला कावड़ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? झूला कावड़ क्या है कि हम इसको कंधे पे ही लेके चलते हैं। सुबह चलेंगे, 4 बजे से ये स्टार्ट हो जाता है। वो भक्तों की इच्छा है कि वो 10 बजे तक चले, 12 बजे तक चले, वो मौसम के ऊपर है भोले के। वो उसके बाद 8 बजे के बाद हम नहीं चला सकते इसको झूला कावड़। शाम के 8 बजे के बाद? हाँ, शाम को 8 बजे नहीं चला सकते। सुबह कब शुरू करते हैं? सुबह 4 बजे धूप अगरबत्ती करके इसको उठाते हैं, दोबारे नहा धो के, अगर हम कुछ भी बाथरूम जाते हैं, लेटरिंग जाते हैं, अन्न भी हम खाते हैं, अगर नमक भी हम खाते हैं, तो हमें नहा धो के पूरे जिन कपड़ों में पहन रखा है उसी में नहा धो के कपड़े पूरे शुद्ध करके फिर दोबारा से हम कावड़ उठाते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब वही मैं देख रही हूँ कि जो कावड़ है वो जमीन पे नहीं रखी गई? हाँ, जमीन पे नहीं रखी जाती क्योंकि ये जल है, गंगा जल है, इसको जो जल माना जाता है, सबसे पवित्र माना जाता है।